कभी मैं एक दो तीन चैनल को मैंने दो चैनल को मैंने अपना टेस्ट दिया है। और अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था। उस टाइम में एक बॉडी VIP आई है। अभी VIP बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज़्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोगों कौन तो भी VIP मतलब कोई तो होएगा ऐसा, तो क्या हमें हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा, तो मतलब देखा मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये ज़रा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ, तो इस सब से मैं बात करने गया। तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, यानी थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरे को। लेकिन आपको डाउट क्यों है, क्या कारण था, आप वो बताइए हमें कि क्यों हाँ, बताया तो आपने। मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया या देखने के बाद, ये जो गले का मार्किंग जो रहता है हैंगिंग, यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से ऐसा दबा मतलब ऐसा क्या बोलते हैं आप हिंदी में, ऐसा खिंचाव का निशान, खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग दो तीन था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में हाथ में मतलब बॉडी में मार मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको को कुछ कैसे मारे वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के मापित था। तो पोस्टमार्टम ये सारी चीजें तो आई नहीं है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो ये चीजें थी, अभी तो देखिए क्यों हुआ सर ऐसा। वो वीडियो शूटिंग करते और वो पोजीशन में आप देखते करते हाथ पैर हिलाते थे, वो मालूम पड़ता था, समझ में आया। अभी इस वक्त मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी ऐसा खुद को खुदकुशी करने के टाइम ऐसा हैंग कर नहीं सकता है इस वजह से। और जो मार्किंग मैंने बताया वो भी नहीं हो सकता है मेरे ख्याल मेरे मैं मेरे हिसाब में, तो सिर्फ फोटोग्राफी हो गई थी। मैं साहब से बात करने की कोशिश किया, भाई सर अपन थोड़ा वीडियो शूटिंग करेंगे, क्योंकि वो जो मार्किंग वर्किंग है वो क्लियरिटी आती थी। और वो सुसाइड नहीं है मर्डर है, मैं बात करने के बाद मेरे को जरा फीलिंग हो रहा है भाई ये ऐसा है ऐसा है, तो उसको थोड़ा सा मेरा इसमें से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन साहब बोला तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ बस। इतनी सारी चीजें अगर आपको दिख रही थी कि अगर वो खुली आंख से अगर दिख रही थी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आई? क्या किसी ने अभी जानबूझ के देखिए रिपोर्ट चेंज वर्क कराई? वर्क ये डॉक्टर का है, और क्या लिखने का क्या नहीं, हमको सिर्फ काम करने का, हम कटर है, यानी खोलने का बॉडी दिखाने का बताने का, और क्या नहीं करने का वो डॉक्टर का काम है। मेरे को आया था, मैं खाना खाता था, जब एक आए थे मतलब चैनल वाले, मैं बोला भाई मेरे को ऐसा मतलब बोलने के लिए बताया गया था कि भाई ऐसा बताने का नहीं कुछ नहीं करने का, मैं एक सर्वेंट हूँ, सर्वेंट का काम करता हूँ। लेकिन पुलिस ने कभी को आपका बयान दर्ज किया, पुलिस ने या सीबीआई ने नहीं, किसी ने? मेरा तो ऐसा कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता था, तो कभी किसी ने संपर्क नहीं आया किया ही नहीं आपके किया ही साथ? नहीं। क्योंकि अभी देखिए मैं टीवी चैनल पे देख रहा हूँ कि भाई ऐसा सुशांत सिंह का जरा बात चालू है, तो मेरे को ऐसा ही लगा कि भाई अभी इसी वक्त ये बात बताना चाहिए कि भाई उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं सब्जेक्ट पकड़ के चल रहा हूँ, फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भाई ये सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। फोटो देखने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, सुशांत सिंह से जिस वक्त फोटो लिया गया, वीडियो शूटिंग तो बात की बात है, जब फोटो देखा उसी के ऊपर भी बात पकड़ के चलेंगे आप, मतलब अगर तकदीर से आपको देखने को मिलेगा तो आप भी बता सकेंगे भाई ये खुदकुशी नहीं मर्डर है। उसके बाद भी आप देखिए क्लाइमेट कैसा हो गया था, कितने लोगों की मतलब सुसाइड हो गए, मर्डर मतलब सुसाइड के माध्यम मतलब मैं अभी वो बात नहीं बोल सकता, अभी क्या है वो मेरे को भी मालूम नहीं है। अगर खुद की जान की किसको प्यारी है तो खुद की रहती है, दूसरे की रहती है क्या? और मेरी खुद की रहती है, जान की प्यारी है तो मैं कुछ वो हिसाब से मैं बात नहीं किया। जान की प्यारी ये बात आप कह रहे हैं, इसका क्या मतलब, आपको अपनी जान का भय लगता है? भय तो सबको है सर, अगर आप उस जगह से अगर आप हट के बात करने लगे तो बात गलत है ना, उनके हिसाब से गलत है, अपने हिसाब से गलत नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी हो सकता है। अभी आपके सामने 3-4 तो आप देख चुके हैं, हो चुका है,
जी हाँ, उसी वक्त से मैं डर था, क्योंकि अभी मेरा रिटायरमेंट भी नजदीक आया था। अभी ये मैं अकेला नहीं बात कर सकता था, अकेला अभी इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी जो पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए उसी लिए मैं बात कर रहा हूँ। सरकार बदली है इसलिए आपकी हिम्मत बढ़ी, हम कह सकते हैं? जी हाँ सर, सरकार इसलिए बदली कि जो अभी बात चालू है वो बात के हिसाब से उसको न्याय मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है, उनका भी वही कहना है, वही हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। पर जो डर आपका था, सरकार बदली है लेकिन लोग तो आज भी हैं, वो तो क्या आपको अब डर नहीं लग रहा? हाँ, ये सिस्टम जो है वो सिस्टम के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे अभी भी डर लग रहा है। क्या चाहते हैं आप, उस डर से बाहर आने के लिए क्या होना चाहिए आपके लिए? जी अभी अभी मैं इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर छोटी मुंह बड़ी बात रहती है, अभी वो बड़ी बात मैंने की है, तो सीएम साहब को मेरी इतनी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे जो अभी है, मैंने जो सिस्टम के खिलाफ जो मैंने आवाज़ उठाई उसको मेरी मतलब नज़दीकी जान के और मेरे को मतलब फैमिली की उन्होंने रक्षा करे। अब ये बात